आइए आज फ्रेजल वर्ब का पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में हम 31 से लेकर 40 तक देखेंगे। इसके पहले हम 3 पार्ट इसका बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में है सभी तीनों पार्ट, आप उसको देख सकते हैं। इस और इसमें हम लिंक भी दे देंगे पिछले वीडियो का। चले देखते हैं आगे। पहला है काल अपान। काल अपान माने क्या होता है? कहा जाना या निवेदन करना। से आपसे कुछ भी कहा जाएगा, अपान याद कैसे होगा? अपान माने ऊपर होता, काल माने कहना। किसी चीज़ के ऊपर आपसे कुछ कहा जाता है कि आप ये काम कर दीजिए, तो यानी कि आपसे कुछ कहा जाता है करने के लिए, आपसे निवेदन किया जाता है। इसलिए इसका मतलब क्या होता है? कहा जाना या निवेदन करना। किसी काम के ऊपर आपसे कुछ कहा दिया जाता है कि भाई साहब ये काम कर दीजिए, हाँ, तो आप उससे कि निवेदन ही कहते हो ना। अपान माने ऊपर, जो आपसे ऊपर है पद या पोजिशन में, तो आप उसको आदेश तो दे नहीं सकते हो ना, निवेदन ही कह सकते हो। क्लियर? आपसे जैसे आपके टीचर हैं, आप लेट पहुंचे हो, कहे कि हमको उपस्थित कर दीजिए, हाजिरी भर दीजिए, तो आप उनसे निवेदन तो करोगे ना आप, क्योंकि आपसे ऊपर है, तो टीचर आपके बड़े भाई हैं, कुछ भी हो। आप कोर्ट में जाते हैं तो आप वकील क्या कहते हैं? जज से कहते हैं कि आप जो है सबूत देख लीजिए और ठीक है, इस तरह से ये आदमी सेफ है, इसको इसके साथ न्याय कर दीजिए। तो इस तरह से वकील क्या कह सकता है जज से? उससे पद पोजीशन में ऊपर है तो कह ही सकता है ना, निवेदन ही कर सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हो आराम से इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। अपान मतलब ऊपर, आपसे कोई भी पद या पोजीशन में ऊपर है, उससे आप कहेंगे, कॉल करेंगे उसको, तो आप उससे कह ही सकते हैं कि आप ये काम कर दीजिए, निवेदन ही कर सकते हैं। इस तरह से इसका मतलब होगा कहा जाना या निवेदन करना। कनेक्ट हो गया, इस तरह से बनाया फ्रेजल वर्ब। टू बी आस्क्ड, उदाहरण भी देख लेते हैं, मतलब इसका वाक्य में प्रयोग भी देख लेते हैं। यू विल बी कॉल्ड अपॉन इन द कोर्ट टू गिव एविडेंस। आपसे कोर्ट में जो है सबूत देने के लिए कहा जाएगा या निवेदन किया जाएगा। कि हो गया ना कि सबूत दिखाइए, कृपया अपने सबूत दिखाइए। क्लियर? बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। आप नहीं दिखा पाओ, कहेंगे सॉरी आई कैन नॉट डू एनी जजमेंट। क्लियर? मैं निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि सबूत नहीं आपके पास, आपको बचा नहीं सकता, आई कैन नॉट सेव यू। इस तरह से आराम से कम अबाउट माने क्या होता है? घटित होना। अब देखिए याद कैसे होगा, अब देखिए एक बात ये भी बता दे रहे हैं आपको, कम अबाउट के का कनेक्शन आपको ब्रिंग अबाउट भी था शायद में से कोई था, हाँ ब्रिंग अबाउट, ये दोनों। अब ब्रिंग अबाउट माने होता घटित होना, इसको याद किए हो ना, तो कम अबाउट माने भी घटित होना होता है। हाँ, काज टू हैपन या हैपन ही देखिए इसमें दे दिया, वो बात एक ही हो, तो आप दोनों को ये ना सोचिए दो अलग अलग आ गए तो कन्फ्यूज हो जाएँ। दोनों का मतलब एक होता है, कम अबाउट माने ब्रिंग अबाउट। क्लियर? घटित होना हैपन, हाँ उसका सारांश हो जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब अगर हैपन नहीं दिया, ब्रिंग अबाउट दिया है, तब भी आप वही कर दीजिए, या ब्रिंग अबाउट के ऑप्शन में कम अबाउट, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो कम अबाउट माने घटित होना, हैपन माने होना। अब जैसे इसमें याद करने की क्या ट्रिक है, उसी ट्रिक से इसको भी याद कर लीजिए। अबाउट माने होता चारों ओर या आसपास, कम माने आ जाना। ठीक है? अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो अचानक जो है कुछ भी आपके सामने आ गया, ठीक है, तो उससे कोई घटना घटित हो गई। ठीक है? तो होता क्या कि जैसे गाड़ी उड़ी चला के जा रहे हैं कुछ, ठीक है, एक और गाड़ी सामने से आ गई, टक्कर मार दी। ठीक है? तो आ गए अबाउट माने चारों ओर या इधर उधर, इधर चारों ओर से आप जा रहे हैं चारों ओर, अब कहीं से अचानक इधर उधर से आ गई, आप टक्कर मार दी, तो क्या हो जाएगी वहाँ? कोई घटना घटित हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। हैपन, आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट केम अबाउट। मैं नहीं आपको बता सकता कि ये कैसे घटित हो गया, मतलब घटित हो गया मतलब हमारे पास ये दुर्भाग्य कैसे आ गया, घटना समझ ही नहीं, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई गाड़ी आ गई, टक्कर मार दी, कुछ भी हो गया, तो कैसे आ गया, मतलब क्या कैसे घटित हो गया। आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ पर नहीं था, इसी कंडीशन से निकला है, मतलब आप कहीं पर नहीं थे, कोई घटना घटित हो गई, कोई आके टक्कर मार दिया, ठीक है, कुछ भी हो गया। अब ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, कोई सांप ही अचानक आ गया, किसी को डस लिया, काट लिया, तो आप कहें मैं नहीं जानता कहाँ से ये आ गया और काट लिया, और ये घटना क्या हो गई? घटित तो हो गई। तो हाइपर में घटित होना कोई काम, घटना घटित होना। तो चलिए देखते आगे। कम अक्रॉस माने क्या होता है? मीट बाय चांस, अचानक मिलना। याद कैसे होगा? मीट माने मिलना होता है, अक्रॉस माने आर पार। अक्रॉस माने क्या होता है? आर पार ना। तो एक कनेक्शन क्या है, याद करने का तरीका क्या है, बना कैसे? ओरिजिनल है फ्रेजल वर्ब को, आपको ओरिजिनली बता रहे हैं कैसे बना है और कैसे आपको याद करना है, नहीं तो आप पक्का भूलते हैं। कम माने आना है, क्रॉस माने आर पार।
अचानक मिलना इसका अर्थ होता है मीट बाई चांस। बाई चांस माने संयोग बस या अचानक। आप जैसे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं कहीं, ये अक्सर ये होता है जैसे आप कोई रोड पार करके जा रहे हैं दूसरे साइड में जहाँ चौराहा होता है, क्रॉसिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सूरापुर के निवासी हैं तो आप जा रहे हैं इससे सागन से होके सुल्तानपुर जा रहे हैं, सूरापुर क्रॉस करेंगे तो आप आदिपुर वाले रोड पकड़ेंगे। उधर से कोई दोस्तपुर से जा रहा है इधर करौंदी कला, तो आप इधर से जाएंगे सूरापुर चौक से जाएंगे आप आदिपुर वाले रोड पर। दोस्तपुर से कोई करौंदी रोड पर जा रहा है यानी बिजतपुर जा रहा है तो क्रॉस करेगा, वो उधर से आए आप इधर से गए, वहीं चौक पर दोनों लोग क्या किए, मिल गए। क्योंकि पहले से तो पता नहीं आपका कोई दोस्त वगैरह है, अचानक मिल गया तो आप वो कम एक क्रॉस, वो भी पार कर रहा था एक ओर से दूसरी ओर, आप भी एक ओर से दूसरी ओर, एक क्रॉस माने आर पार करना एक ओर से दूसरी, और दोनों लोग डायरेक्ट जो है उसी चौराहे पर उसी मार्ग में क्या मिल गए। तो ऐसी कंडीशन में मिलने को क्या कहते हैं, अचानक मिल जाना। क्योंकि आप लोग अचानक ही मिले हो ना, आप कहीं भी जा रहे होते हैं अचानक कोई आपका पुराना दोस्त मिल गया, ठीक है, कोई आपका रिलेशन मिल गया, रिश्तेदार मिल गया, तो आपसे अचानक मिल जाता एक क्रॉस, आ जा रहे हैं दोनों लोग, मिल गया, कहीं भी मिल गया, तो आप उसको कहते हो कम एक क्रॉस, मतलब आर पार करते समय मेरे सामने आ गया, मतलब अचानक मिल गया, कनेक्ट हो गया। आराम से याद कर सकते हो, मीट बाय चांस, ही केम एक क्रॉस मी नियर द पार्क। यहाँ क्या है देखिए, वह पार्क के पास अचानक मुझसे क्या मिल गया, आप पार्क में गए हो घूमने, वो भी आ गया, वहीं पार्क में दोनों की क्या हो गई, भेंट हो गई कहीं से, वो भी आ गया तो अचानक मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, कम ऑफ माने क्या होता है, टेक प्लेस, टेक प्लेस माने क्या होता है, होना, ठीक है, होना। जैसे कम माने आना होता है, ऑफ माने बंद हो जाना, मतलब दूर हो जाना भी होता है। अब देखिए कम मतलब आना होता है, जैसे अब यहाँ क्या है कि कोई चीज़ आके ऑफ माने बंद हो गया, अगर कम पूरा आ गया तो जान लीजिए काम हो गया ना। जैसे यहाँ क्या है, मान लीजिए पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है, सभी बच्चों को पुरस्कार देना है स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने या कोई भी चीफ गेस्ट जो आया वो सबको सबके पास तक वो पुरस्कार आ गया, तो जान लीजिए पुरस्कार देने का काम क्या हो गया, हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए, टेक प्लेस माने हुई होना होता है, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन केम ऑफ ऑन मंडे लास्ट, पुरस्कार वितरण जो है पिछले मंडे को क्या हुआ था। टेक प्लेस माने होना, क्लियर, कोई भी काम होना या घटित होना भी होता है वैसे टेक प्लेस माने, लेकिन वो हो जाता है अचानक, ठीक, तो उसको भी टेक प्लेस कहते हैं। टेक प्लेस माने स्थान लेना, मतलब कोई काम जो है, ठीक है, हो रहा है उस काम को, ठीक है, स्थान दिया गया है। अब यहाँ जैसे पुरस्कार वितरण वही है, सबके पास तक आ गया तो वो काम क्या किया, हो गया ना, टेक प्लेस, वो अपना स्थान ले लिया जिसके पास जाना था पुरस्कार ना, बस वही चीज। अगला देखते हैं, आगे दिया गया है, कम आउट माने होता है प्रकट होना, प्रकट होना। अब ऐसे याद कैसे होगा, कम माने आना, आउट माने बाहर, तो अपीयर माने प्रकट होना। जैसे आपके कहीं भी गए, किसी के घर आए आप, तो वो आपका मित्र जो है अपने घर में है, तो वहाँ से जब आपका नाम सुना, बताया गया कि हाँ ये आए हैं आपसे मिलने, आपके दोस्त, तो वो जो है आपका नाम सुनते ही बाहर आया, तो बाहर आया तो आपके सामने प्रकट हुआ ना, अगर बाहर नहीं आता तो कैसे प्रकट होता, प्रकट होने का मतलब दिखाई पड़ जाना, अपीयर, तो प्रकट होना, कम आउट, बाहर आना, क्लियर हो गया। जैसे अब वो नदी में कहानी सुने हो लकड़हारा की, जिसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, तो जब वो रो रहा था तो नदी की देवी कम आउट बाहर आई, बाहर आई मतलब देवी उसके सामने प्रकट हो गई, क्लियर हो गया। इस कंडीशन से आपको इसको याद करना, ठीक, अपीयर, दिखाई पड़ जाना, प्रकट होना। द बुक केम आउट आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, किताब जो है लेखक की मृत्यु के बाद बाहर आई, प्रकट हुई, लेखक की मृत्यु के बाद प्रकट हुई, प्रकट हुई मतलब जैसे कोई लेखक था वो किताब लिख दिया बहुत अच्छी, लेकिन वो मर गया, तो मरने के बाद उसको प्रकाशित की गई, भाई किताब लिख दिया गया तो कोई ना कोई प्रकाशित करा देता उसको, कितनी अच्छी किताब है, या ठीक है प्रकाशन को दे ही दिया है, लेकिन मृत्यु हो गई तो भी वो प्रकाशित कर दिया, सब लोग पढ़ें और वो जाने कि कितना अच्छा लेखक था, वो अमर हो जाता है उस किताब के माध्यम से, लोग उसका नाम लेने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे नाटक वगैरह हैं शेक्सपियर की मृत्यु के बाद भी प्रकाशित हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं, कम डाउन के बाद होगा कम डाउन, हाँ कम डाउन माने होता है गिरना, याद कैसे होगा, देखिए कम माने आना, डाउन माने नीचे, तो मतलब जिसे गिर गया कहते हैं इसका रेट बहुत गिर गया है, नीचे आ गया है, मतलब क्या गिर गया है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, क्लियर। कम माने आना, डाउन माने नीचे, किसी चीज़ का रेट जो है डाउन आ गया, नीचे गिर गया,
मतलब क्या होता है, कम होना, जैसे पेट्रोल का रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्लियर, तो उसको वो थोड़ा सा क्या कम डाउन है, नीचे आया, ठीक है, तो 102 तक पहुंच गया था तो 96 तक पहुंच गया, तो वो क्या है, कम डाउन हो गया, मतलब कम हो गया, तो वही नीचे आ जाना मतलब गिर जाना। देखिए उधार दिया, प्राइसेज आर कमिंग डाउन ड्यू टू होल्डिंग, प्राइसेज माने कीमतें, आर नॉट कमिंग डाउन, यहाँ नॉट कमिंग डाउन माने नीचे नहीं आ रहा है, मतलब क्या ज़्यादा बढ़ रहा है, ड्यू टू होल्डिंग, होल्डिंग माने होता है जमाखोरी, कीमतें जो है जमाखोरी के कारण नीचे नहीं आ रही, जमाखोरी होता ना कभी कभी, जैसे होता है मार्केट वगैरह में प्याज वगैरह की कमी हो जाती है, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है खरीद के अपने पास रखे रहते हैं, जब कहीं नहीं मिलता है आप उनके पास जाओगे तो ज़्यादा कहेंगे, भाई मिल तो जाएगा लेकिन सौ के बदले 105 रुपये 110 रुपये लगेगा, तो उसको कहते हैं मूल्य वृद्धि करना, क्लियर, तो उसके कारण भी जमाखोरी के नाते भी मूल्य बढ़ता है। अगला देखते हैं, तो फाल, फाल मिस गिर जाना, कम राउंड माने होता है एग्री सहमत होना, कम राउंड, राउंड मिस चार ओर से कम माने आना, तो सहमत होना, ठीक है, तो अब मतलब जैसे कम माने आना, राउंड माने चारों ओर, जैसे कोई किसी से आप बात कर रहे हो ना, वो चारों ओर से आपकी बातों पर ही आ जा रहा है, तो मतलब आपसे सहमत है ना, ठीक है मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, राउंड माने चारों ओर, कम माने आना, चारों ओर से घूम फिर कर आपकी बातों पर ही वो आके सहमत हो जाता है, क्लियर, आपकी बातों पर आ जाता है ना, आपकी बातों पर नहीं आएगा तो क्या असहमत रहेगा ना, कहेगा नहीं मैं तुम्हारी बातों पर, बातों में आने वाला नहीं है, बातों में आ जा रहा है, इसका मतलब क्या सहमत है, चारों ओर से आ रहा हो भी, क्लियर, जो भी बात करेंगे सभी बात को आपको मानेगा, तो आपसे एग्री रहेगा तभी मानेगा ना, सहमत होना, समझ में आ गया। उदाहरण, आई होप ही विल कम राउंड टू योर व्यूज, मुझे आशा है कि वह आपके विचारों से सहमत हो जाएगा। ये मेरा तरीका, इस तरह से मुझे सभी फ्रेजल वर्ब याद हैं और आप भी याद कर सकते हो, अगर आपको कोई और अच्छी ट्रिक अपने हिसाब से लगे तो आप उस ट्रिक का भी यूज करके इसको याद कर सकते हो, मेन पॉइंट है आपको याद होना। व्यू माने होता है विचार, दृष्टिकोण या विचार दोनों होता है, ऐसी बात नहीं है। और कम अप टू माने होता है लगभग होना, समाप होना, ठीक है, याद कैसे, समान होना या लगभग होना, याद कैसे होगा, कम माने आना, अप टू माने होता है तक, ठीक है, अप टू माने लेवल बताता है तक, मतलब ये किस, लगभग होना, समान होना, जैसे कम माने आना, जैसे कहते हैं यहाँ तक आ रहा है, लगभग है ना, ठीक है, लगभग हो रहा है, किसी चीज तक वो पहुंच रहा है, मतलब लगभग हो रहा है, समान, समान होना, अप टू माने तक, अमाउंट टू, टू बी इक्वल टू, ठीक है, जैसे कहते हैं कि इतना कर्ज लिया है तो इसका कर्ज जो है लगभग इतना तक पहुंच रहा है, जैसे ब्याज वगैरह जोड़ने पे लगभग इतना आ रहा है, इतना आपको देना पड़ेगा, यस इतने के बराबर हो गया है, ठीक है, ये सब होता है। कम अप टू, किसी चीज़ तक आ जाना मतलब लगभग उतना हो जाना, समान हो जाना, किसी के पास मतलब उतना तक हो गया तो जैसे मान लीजिए अमाउंट तो समान हो गया, उसके बराबर हो गया या उसके लगभग हो गया। हिज डेब्ट्स कम अप टू 5,000 रुपीज़, उसके कर्ज जो है कम अप टू माने लगभग हैं, 5,000 रुपीज़ माने 5,000 रुपये, उसके कर्ज लगभग कितने हैं, 5,000 रुपये हैं या 5,000 रुपये के समान है, बतिये के वजह से 5,000 रुपये है, उसी तरह से उतना 5,000 कर्ज है, 5,000 रुपये तक है लगभग। अगला है तो कम ओवर, जैसे बहुत सारे कर्ज बहुत जगह से आदमी थोड़ा थोड़ा ले लेता है तो लगभग कहते हैं कितना हो गया भाई, थोड़े थोड़े तुम्हारा 5,000 तक लगभग है, लगभग 5,000 रुपये तक आपको देना है, अभी जोड़ेंगे तो ना, समझ गए ना, कम अप टू, वो कम आ रहा है आपका कर्ज, अप टू माने तक, 5,000 तक आ रहा है, लगभग 5,000, क्लियर, इस तरह से कनेक्ट करिए। अब देखिए कम ओवर माने क्या होता है, छा जाना, ओवर स्प्रेड, स्प्रेड माने फैलना, ऊपर से फैल जाना, मतलब क्या छा जाना, याद कैसे होगा, कम माने आना, ओवर माने ऊपर, ठीक है। अब देखिए क्या, ऊपर से अगर कुछ आ जाता है तो आपके ऊपर छा जाता है ना, जैसे ऊपर आपके बादल, देखिए बादल हम देख रहे हैं, ऊपर बादल आ गया है तो बादल छा गया ना, कोहरा ऊपर चारों ओर दिखाई पड़ रहा है तो कोहरा छा गया है ना, इस तरह से आप इसको आराम से याद कर सकते हो, क्लियर, छा जाना। ए लुक ऑफ ग्रेट फियर माने अत्यधिक भय की दृष्टि, कम ओवर माने छा गए, द फेस ऑफ द कैशियर, कैशियर के चेहरे पर भय की दृष्टि छा गई, कैशियर माने खजांचे जो बैंक में पैसा देता निकाल के, कैशियर, कैश माने नगद धन, कैश देने वाले को कैशियर कहते हैं। When he saw a thief with a dagger, जब वह देखा, क्यों कैशियर के ऊपर भय की दृष्टि छा गई, जब उसने देखा थीफ माने चोर को with a dagger, dagger माने खंजर, खंजर चाकू छुरा कटारी जिससे मारा जाता है, ठीक ना, जब उसने जो है चोर को खंजर के साथ देखा, कि मतलब चोर पहुंचा था खंजर लेके रामपुरी लेकर, उसके बाद जो है
कहा कि पैसा दे दो नहीं तो मैं तुमको क्या करूंगा, मार दूंगा। तो अगर ऐसा कंडीशन में कोई पहुंचेगा, चोर खंजर लेके, चाकू लेके, छुरी लेके, ठीक है, तो क्या होगा, वो डर जाएगा, बात समझ गया ना, तो उसके ऊपर भय की दृष्टि छा जाएगी। चलिए आगे, ड्राप इन माने क्या होता है? ड्राप इन माने अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना, याद कैसे होगा? ड्राप माने क्या होता है? ड्राप माने छोड़ना भी होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं चलो हम तुमको मार्केट तक, मतलब ड्राप कर देना, रेलवे स्टेशन तक ड्राप कर देंगे, ड्राप माने पहुंचा के छोड़ देना वहाँ पर, ठीक है ना। ड्राप माने बूद होता है, नाउन होता है, वर्ब रहता है, ड्राप मीन्स छोड़ना होता है। वैसे भी कहते हैं आप एक क्वेश्चन ड्राप कर गए, एक लाइन ड्राप कर दिए, ड्राप माने भी छोड़ना वहाँ भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ किसी को स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी, या किसी के घर तक ड्राप उसको भी लगता है। तो देखिए उदाहरण से आप पहले समझ ही लीजिए इसका अर्थ। ही ड्राप्ड इन एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम, ठीक है, ये वाक्य ड्राप में छोड़ना। चलिए इसका पहले क्लियर करते हैं। किस अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना, किसी को, अच्छा ये बताओ इन माने में होता है किसी स्थान से पहले इन लगता है ना, तो होता क्या है कि ड्राप किसी को छोड़ दिया गया इन माने में, उसके घर पे या उस स्थान में उसको ले जाके क्या किया गया, छोड़ दिया गया। तो क्या होगा, अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना ना, अगर किसी को उसके गांव में या ठीक है शहर में ले जाके आप छोड़ दोगे, तो उस स्थान पे वो पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो वही हो गया पहुंचना, किसी स्थान पर पहुंचना। इन प्लेस से पहले लगता है, ठीक है, टाइम से पहले भी लगता है, लेकिन यहाँ समय की बात की जा रहा। तो विजिट एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मैंने अचानक विजिट माने भ्रमण करना, क्लियर, अचानक किसी स्थान पहुँच जाना। आप किसी को लेवा के जा रहे हो छोड़ने, तो उसका गांव आ जाएगा, कह देगा हम मैं यहीं पहुँच गया हूँ, या ठीक है तो उस स्थान पर क्या पहुँच गया। तो ड्राप इन, ड्राप करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए किसी स्थान पर गए, तो इसलिए वो आप भी उस स्थान पर क्या किए, पहुँच गए, अचानक पहुँच गए, मतलब लेके जाते समय आप वो बताए चलो यहाँ, यहाँ जो है मुझे पहुँचाना है, पहुँचा दो कि स्थान है, आप नहीं जान रहे हो, तो ले गए, तो कह अचानक कह दिया कि देखिए मैं पहुंच गया हूं, तो आप भी कहेंगे मैं भी तो अचानक इस स्थान पे क्या पहुंच गया। तो ही ड्राफ्ट इन एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम, ही ड्राफ्ट इन, अब देखिए उदाहरण बता रहे हैं इसमें, ही ड्राफ्ट इन माने वह अचानक पहुंच गया एट हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर, ऑन हिज वे होम उसके रास्ते के घर, मतलब इसे वे होम मतलब रास्ते में जो पड़ता था घर, तो रास्ते में पड़ने वाले घर पर, ठीक है, अपने दोस्त के यहाँ उसके रास्ते, मतलब रास्ते में पड़ने वाले घर पर अचानक क्या किया, पहुंच गया। जैसे वो कभी अपने दोस्त, सुनो, कभी दोस्त को छोड़ा था, फिर बाद में फिर जा रहा था उसी रास्ते से, तो मतलब अचानक वही वही घर आ फिर आ गया, ठीक, तो रास्ते में ही पड़ रहा था, तो कहा करे मैं तो फिर जो है दोस्त के घर क्या किया हूँ, पहुंच गया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कनेक्ट करके। तो आई होप आपको पूरे समझ में आ गए होंगे 10। अगले वीडियो में आपको 10 फिर बताए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन ऑन रखें, और क्योंकि इंटरेस्टिंग तरीका है याद करने का, जैसे बता रहा हूँ आप आराम से याद कर सकते हो, नहीं तो पक्का आप फ्रेजल वर्ब भूलते हो, ये सिंटैक्स में भी आ जाता है प्रीपोजिशन भरने के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।